अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड कटिंग एक्सप्रेस। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ 5 से 7 साल तक की बच्ची की फ्रॉक का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं आपको जो है वो मेजरमेंट करके बताती हूँ कि हमने जो है कितना फैब्रिक लेना है। तो ये मैंने फैब्रिक को जो है 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले जो बॉटम पार्ट की जो मेजरमेंट कर लेते हैं, नीचे वाला जो पार्ट है हमारा पेटी का, तो यहाँ पे मैं इसकी जो है विड्थ ले रही हूँ वो 20 इंच है, ठीक है। फोल्ड में 20 इंच है लेकिन सिंगल में ये 40 इंच है। तो मैंने ये काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक लिया है क्योंकि हमने जो है इस हिस्से पे चुनर्स डालनी है। और यहाँ पे मैं इसकी जो है वो लेंथ ले रही हूँ 17 इंच। तो इसकी लेंथ और विड्थ जो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फैब्रिक के हिसाब से। अब यहाँ से मैं इसको हल्की सी राउंड शेप दे दूँगी, ज़्यादा राउंड शेप नहीं देनी हमने, हल्की से देंगे तो बिल्कुल हमारी जो ये फ्रॉक जो है ना एक रेडीमेड सी लुक में जो है रेडी होगी। तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, ये इसका एक पार्ट है। इस तरह से हमने जो है प्लेट्स डालने हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसका घेर है तो इससे फ्रॉक बहुत ही प्यारी बनेगी हमारी। अब हम अपनी पेटी की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसको फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास इसकी जो है वो लेंथ है 10 इंच है, ठीक है। और इसकी विड्थ मेरे पास जो है वो 11 इंच है। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। मैंने फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा ली है। यहाँ पर फोल्डिंग कर लेंगे हम, 2 इंच तक फोल्ड कर लेंगे बटन टेक पट्टी के लिए। बैक साइड को फोल्ड करेंगे एक पार्ट। अब हम यहाँ से जो अपने तीरे की मेजरमेंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है तीरे की चौड़ाई जो है तीरा रख रही हूँ 5.5 इंच और यहाँ पे जो है आर्म होल जो है वो 6 इंच रख रही हूँ। और इन निशानात को आपस में मिला देंगे और यहाँ से इसको जो हल्की सी मैं राउंड शेप दे दूँगी यहाँ से। यहाँ से भी तिरछा जो है मार्क कर लूँगी। अब हमने जो है वो अपनी जो है चेस्ट फिटिंग के लिए 8 इंच पे निशान लगाना है और कमर फिटिंग के लिए 7.5 इंच पर। और यहाँ से भी हल्की सी गुलाई में शेप दे दूँगी, इससे फ्रॉक की शेप बहुत अच्छी आती है। अब हमने इनकी करनी है कटिंग। तो इन निशानात के ऊपर हमने जो है वो कटिंग कर लेनी है। तो अब हम अपनी जो है वो नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक की चौड़ाई जो है वो 2.25 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे जो है नेक की लंबाई जो है 2 इंच रख रही हूँ। इसको राउंड शेप दे देंगे। ये हमारी जो है बैक जो है वो नेक की जो है वो लंबाई और चौड़ाई है। अब हम अपनी जो है वो फ्रंट नेक की जो है लंबाई जो है वो 3 इंच रखेंगे और इस तरह से जो है वो इसको शेप दे देंगे। अब हमने पहले जो है वो बैक नेक की कटिंग कर लेनी है यहाँ से और अब हमने जो है फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इस पीस को। तो ये हमारी जो है फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है और यहाँ से जो है ये फोल्ड में है तो इसको हम कटिंग कर देंगे और जो है 2 पीसेस में इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इसको हम फिर फोल्ड करके तो सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए जो है मेरे पास फैब्रिक काम में है तो मैं स्लीव्स मेरे पास जो है वो 11 इंच है इसकी लेंथ है। यहाँ से मैं इसको हल्की सी शेप दे दूँगी आर्म होल को और यहाँ से मैं इसको ओपनिंग जो है वो 6 इंच रख रही हूँ स्लीव्स की जो है यहाँ से चौड़ाई। तो यहाँ से मैंने ये फैब्रिक लिया है, 5 इंच इसकी चौड़ाई है तो इसको मैं आगे जो है यूज़ करूँगी फ्रिल के लिए। इससे एक तो हमारी जो है वो लेंथ और इंक्रीज़ हो जाएगी स्लीव्स की और जो है डिज़ाइन बन जाएगा हमारे स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा। अब हम अपनी जो है वो पेटी की फ्रंट साइड लेंगे और यहाँ पर हमने अपनी जो है वो पट्टी का यूज़ करना है। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है इसमें कंट्रास्ट इसके साथ, तो मेरे पास जो है इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके जो है वो फोल्ड करने के बाद हमने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है, फिर इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से हमने अपनी पट्टियाँ रेडी कर लेनी है।
अब हमने जो इस पट्टी को यहाँ पे जो है वो लगाना है, तो पहले मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो बिल्कुल नेक की कटिंग के साथ आधा इंच छोड़कर हमने जो है स्ट्रेट लाइन जो है वो बना लेनी है, और यहाँ से भी एक इंच की दूरी पे एक और लाइन बना लेंगे। तो इसको आप बगैर जो है वो लाइन लगाए भी पट्टी को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से इस साइड से भी हमने अब लाइन लगा लेनी है। अब जो दूसरी लाइन जो है, जितना गैप हमारा इधर था 1 इंच का, इतना गैप हमने इस साइड पे देना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी जो है वो मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इस निशान के ऊपर जो अपनी इस पट्टी को स्टिच करना है, ये देखिए ऐसे दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी पट्टी हमने जो इस साइड से शुरू करनी है। इस तरह से आप हल्की फुल्की जो है वो डिज़ाइनिंग करके, कंट्रास्ट फैब्रिक का यूज़ करके, तो फ्रॉक को एक बहुत ही प्यारी सी जो है वो रेडीमेड सी लुक दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लेस ही यूज़ करें, लेस के बगैर भी आप फ्रॉक को बहुत ही प्यारा रेडी कर सकते हैं। अब मैं दूसरी पट्टी को भी इसी निशान के ऊपर जो है रखकर स्टिच कर लूँगी। तो ये लॉन का फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा है और इसका जो है कलर भी बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ पे वीडियो में इतना जो इन्हेंस नहीं हो रहा। बहुत खूबसूरत कलर है और बनकर हमारी फ्रॉक भी बहुत ही प्यारी बनेगी। तो ये हमने जो दूसरी पट्टी भी इसको साथ ही अटैच कर दी है। तो ये हमारी पट्टियाँ जो हैं ये लग चुकी हैं। अब हमने जो है बैक साइड जो है वो बटन टिक पट्टी बनानी है। तो ये जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा जो है वो 2 इंच छोड़ा था, इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। अब हमने एक पट्टी को नीचे रखना है और दूसरी को ऊपर रखकर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से जितना आपने ऊपर से ओपन रखना है उतना छोड़ देंगे, बाकी इतना हिस्सा जो हम सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारी जो बैक साइड भी रेडी हो चुकी है। अब हमने दोनों के शोल्डर को बराबर में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी शोल्डर की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम अपनी नेक की पाइपिंग करेंगे। तो मैंने ये रेप पट्टी ली है, ये मेरे पास जो है वो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। तो एक साइड पे इसको रख के सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम पलट कर उल्टी तरफ ले जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी नेक की पाइपिंग हो चुकी है। अब हम अपने बॉटम पार्ट को जो है इसको रेडी कर लेंगे। तो ये मेरे पास जो है बॉटम पार्ट है, यहाँ पर पहले जो हम बखिया बड़ा करके तो सिलाई लगा लेंगे। तो आप जो है यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेट्स नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास जो फैब्रिक बहुत ज़्यादा, हमने बहुत ज़्यादा जो है ये खुले घेर वाली फ्रॉक बनानी है। तो इस तरह से मैं फिर धागा खींच लूँगी। दोनों साइडों से हमने जो है धागे को खींच लेना है और इतना ही हमने इसको चूनर डालनी है जितनी हमारी पेटी की चौड़ाई है, ठीक है। उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है हमने। अब हम अपने पेटी को दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसको जो है हाथ से सन से सेट कर लेंगे ताकि हमारे जो है तमाम जो है चूनर्स जो इक्वल आएँ। तो ये देखिए हमने जो है ये बॉटम पार्ट को इसके साथ जो अटैच कर दी है। अब हमने सीधी साइड पे जो है इसकी टॉप स्टिच कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो ये मैंने स्लीव्स रेडी कर ली हैं, यहाँ पे फ्रिल यूज़ किया, इसके ऊपर जो वही वाली पट्टी हमने यूज़ किया जो हमने पेटी के साथ लगाई थी, अटैच की थी। तो हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया। अब मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसकी हम बनाएंगे फ्रिल। तो ये 4 इंच चौड़ा जो है ये फैब्रिक है। तो एक साइड से हमने इसके जो है वो सिलाई लगा लेनी है, पहले कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने जो है दूसरी साइड पे इसके चूनर्स डाल लेने हैं। तो ये चूनर्स जो है मैं इसी तरह मशीन की मदद से डालूंगी। इस तरह से हाथ की मदद से भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त चूनर डलते हैं और ये कि जल्दी डल जाते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी जो है ये फ्रिल रेडी हो रही है।
तो ये हमारी जो है ये फ्रिल जो है बन चुकी है। अब हमने इस फ्रिल को जो है अपनी फ्रॉक के साथ जो है वो अटैच करना है। यहाँ से दोनों साइडें सीधी अंदर की तरफ रखते हुए हमने जो है इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारी जो है फ्रॉक की फाइनल लुक माशाल्लाह से रेडी होकर बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इसके नीचे ये देखिए फ्रिल जो है बहुत ही इसका घेर खुला खुला है, फूली फूली फील हो रही है, बहुत प्यारी लुक लग रही है। इसके ऊपर सेम यही पट्टी मैंने यूज़ की है जो ऊपर वाली पेटी के ऊपर यूज़ की थी। इस तरह से लाइट जो है वो कलर के ऊपर डार्क शेड में कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये पर्पल शेड में है, डार्क पर्पल शेड में, इसी में शेड में मैंने जो है वो इसके साथ जो है वो प्लाजो रेडी किया है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये देखिए अगर आप भी जो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा घेर में फ्रॉक बनाना चाहते हैं बहुत ही रेडीमेड सी लुक में, तो इसके स्लीव्स भी मैंने सेम इसी तरह से बनाए हैं जिस तरह से हमारी नीचे है। तो खुली फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो आप इसका घेर ज़्यादा लें जितना मैंने लिया है। मैंने सिंगल में ये 40 इंच और फोल्ड में जो है वो 20 इंच लिया है। तो इस तरीके से आप भी अपनी फ्रॉक को रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। और ये इसकी बैक साइड है, ये देखिए मैंने जो है वो फिर बेल्ट का यूज़ किया है। तो लाइट के साथ जो है वो डार्क कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप लोग आइडियाज़ लेकर जो अपनी बच्चों की फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है डार्क शेड में जो है वो फैब्रिक है तो उसके ऊपर आप जो है लाइट शेड में फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, लेस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब डार्क के ऊपर लाइट शेड अच्छी लगती है और लाइट के ऊपर डार्क शेड। इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो एक किला किला सा बहुत ही प्यारा लगता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक मिलते हैं आपके साथ जो है नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।